हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज बेसिकली 10,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू ऑफ माय हिमालयन। पहले हम लोग रॉयल एनफील्ड हिमालयन VS6 का जो प्रोस है एंड प्रोस यानी कि एडवांटेजेस है उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। है वो इसका मतलब सुपर हैंडलिंग है और आपका जो ऑफ रोड या और ऑन रोड दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करता है। और स्पोक व्हील्स है जिसकी वजह से आपका ऑफ रोड में बहुत अच्छा हो जाता है एंड इसमें दिए गए हैं डुअल पर्पस ऑफ रोड एंड ऑन रोड टायर्स। तो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रोस जो है इसका इंजन 411 cc का इंजन है जो कि बहुत ही अच्छा लॉ एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 32 Nm का टॉर्क लॉ एंड जिसकी वजह से आपका जो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। पर इसका जो BHP है वो थोड़ा कम है फिर भी आई कैन सर्वाइव विद इट। क्या आप 24 BHP है। नाउ इसका जो थर्ड पॉइंट है थर्ड प्रोस वो इसका है हाई ग्राउंड क्लियरेंस। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 220 mm है जो कि इस सेगमेंट में सबसे पहले आया था। अभी तो शायद एक्सपल्स 200 में भी 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है पर ये जो सेगमेंट में आया था सबसे पहले इसी में 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था। सो इसका जो फोर्थ अच्छाइया है यानी कि प्रोस वो है इसका सीट। इसका सीट इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि सबसे लग्जरियस सीट है क्योंकि एडवेंचर इस सेगमेंट में आता है KTM एडवेंचर और एक्सपल्स उसका उन दोनों का सीट मुझे एक्सपल्स का सीट थोड़ा सॉफ्टर साइड में है पर जो KTM एडवेंचर 390 या फिर 250 उन दोनों का सीट्स तो बहुत ही हार्ड है जो कि मुझे थोड़ा भी कंफर्टेबल नहीं लगता पर इसका सीट्स बहुत ही सॉफ्ट है इसकी वजह से आपको लॉन्ग राइड्स में जाके भी बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। एंड जो इसका जो हैंडल बार पोजिशनिंग है वो भी बहुत अच्छा है जो कि आपको बहुत कंफर्ट देता है। जो इसका जो फिफ्थ पॉइंट है फिफ्थ अच्छाइया है वो इसका लो सर्विसिंग कॉस्ट। इसका जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो बहुत ही लो है। मैंने अभी तक मेरा 3 सर्विसिंग हुआ है जो मैक्सिमम मेरा खर्चा आया अभी तक 3000 ऐसा कुछ खर्चा आया है अभी तक सर्विसिंग इंक्लूडिंग सर्विसिंग एंड ऑयल फिल्टर चेंज। ऐसा और कुछ मेजर इशूज़ नहीं आया मेरे बाइक में अभी तक। अब यही सब अच्छाइयाँ हैं जिसके वजह से आई लव द रॉयल एनफील्ड हिमालयन। सो गाइस इसका जो सिक्स्थ पॉइंट है वो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जो कि 15 लीटर्स का है। सो जिसकी वजह से आप बहुत अच्छी तरह से मतलब वन रन में आप बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। इसका जो राइडिंग रेंज है वो आपका 450 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। द लास्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मशीन इज़ ये 400 cc मशीन होने के बावजूद भी इसका जो माइलेज मुझे मिलता है वो अब 32 km/l से ज़्यादा मिलता है मुझे। अभी जैसे कि देख सकते हैं मैंने जो जितने बेसिकली जितने अच्छे पॉइंट्स यानी कि प्रोस वो सब मैंने पॉइंट्स अभी बता दिए हैं। सो अभी मैं आपको इसके डिसएडवांटेज यानी कि कौन साइड बताने वाला हूँ इसका जो क्या क्या बुराइयाँ हैं इस बाइक में। इस बाइक में बेसिकली बुराइयाँ तो उतना कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग खरीदना जो चाहते हैं हिमालयन। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है इसका वो इसका लो लाइफ ऑफ रियर टायर। इसका जो पीछे का टायर है वो मतलब बहुत ही जल्दी चला जाता है जैसे कि देख सकते हैं मेरा टायर अभी फ्लैट होने वाला है। पर बहुत लोगों का मैंने ऐसे देखा है कि 5000-6000 में पूरा उन लोग का टायर फ्लैट हो जाता है पर मेरा अभी तक 10000 हुआ है फिर भी बहुत चला गया है। तो अगर दूसरा टायर होता तो MRF के कुछ टायर या फिर अपोलो के टायर होते तो अभी तक चल जाते पर मुझे कुछ ही दिनों में ये टायर चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट डाउनसाइड ऑफ दिस। टॉक अबाउट दी सेकेंड डिसएडवांटेज जो कि इसके ब्रेक्स मतलब इसके जो ब्रेक्स है वो इतना अच्छा बाइट ऑफर नहीं करते। पर मुझे लगता है कि इसका जो ब्रेक्स का जो बाइट है वो इसलिए कम है क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इसका वेट भी ज़्यादा है। इसका जो थर्ड कोन है वो इसका मैं वेट बताना चाहूँगा क्योंकि इसका वेट बहुत ही ज़्यादा है 199 kg। और आप ये सब अगर लेग गार्ड और आपका सैडल स्टे इसमें हिमालयन में तो बहुत सारे एक्सेसरीज लग जाते हैं अगर वो सब लगाएंगे तो आपका बाइक तो बहुत ही हैवी हो जाएगा। सो योर लेग मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। डाउनसाइड है वो इसका क्लच है। इसका क्लच बहुत ही हार्डर साइड में है जो कि आपको सिटी में चलाने के लिए बहुत ही अनोइंग लगेगा क्योंकि सिटी में आपका हाथ जो ये वाला रिस्ट है वो पेन करने लगेगा इसका क्लच इतना हार्ड है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ पॉइंट वो है इसका गियर शिफ्टिंग। ये इसका जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ही हार्डर साइड पे है। अगर देख सकते हैं आप सिटी में चलाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी जल्दी अगर गियर शिफ्ट करेंगे तो इसका जो गियर है वो आपको बहुत ही मतलब प्रॉब्लम देगा। अगर आप हाईवे में चलाएंगे स्ट्रेट हाईवे में तो आपको वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा।
एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इट हीट्स अप अ लॉट इन हेड टू हेड ट्रैफिक कंडीशंस। अगर आपको कुछ जानना है इस बाइक के बारे में सो आप कमेंट कर सकते हैं, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।